पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सदन की बैठक में बीजेपी के पार्षद संदीप कपूर ने आम आदमी की पार्षद रेखा त्यागी को अभद्र टिप्पणी की। जब हाउस में हंगामा हो रहा था तब आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर मेयर के सामने आ गए और कागज फाड़कर हवा में उछाल दिया। ऐसे में निगम पार्षद संदीप कपूर ने अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कागज क्यों फाड़ रहे हो, अपने कपड़े भी फाड़ लो। जिसके बाद सदन में हंगामा देखने को मिला। मेयर ने हाउस को स्थगित कर दिया। हाउस स्थगित होने के बाद अब आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद मेयर के कमरे में पहुंचे और संदीप कपूर के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष की तरफ से संदीप कपूर को सस्पेंड करने की मांग की गई है, लेकिन मेयर के समझाने पर संदीप कपूर ने महिलाओं से माफी मांगी, तब जाकर यह मामला शांत हुआ। हम लोग जैसे ये अपनी मनमानी हर बार करते ही हैं कि पब्लिक के जो जनहित के मुद्दे हैं उन पे ये चर्चा ही नहीं करवाना चाहते। हर हाउस में लगभग ऐसा ही होता चला आ रहा है। 4.5 साल से ये हाउस में केवल प्रस्ताव पास करते हैं और जनहित के मुद्दों पर बिल्कुल चर्चा नहीं करते। हम लोग इनको कह रहे थे हाउस टैक्स माफ करने के लिए आप चर्चा करिए, उस बात पे इनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील है, उसमें चर्चा करिए, वो नहीं कर रहे थे। तो ये एजेंडा पास करने लगे नेता विपक्ष और हम सारे साथी नीचे वेल में आ गए और हम इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि जनहित के मुद्दों को उठाओ, उनको हाउस टैक्स को माफ करो। सिर्फ ये बात थी। तो उसके बाद डायरेक्ट संदीप कपूर जो भाजपा के पार्षद हैं उन्होंने एकदम से बोला कि हम लोग जैसे कागज फाड़ रहे थे, पर्चे फाड़ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अपने कपड़े फाड़ लो। मैं भी थी और भी सारी महिलाएं वहां पर थी कि अपने कपड़े फाड़ लो। भाजपा के पार्षद इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग तो लगभग 4.5 साल से ही करते आए हैं। ये महिलाओं का सम्मान करना असल में जानते ही नहीं है। तो इन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी हम लोगों पे करी और अब से पहले भी हाउस में कई बार इन्होंने मर्यादा को तार तार करने का काम किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।